आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई पुराना फ़ोन है या नया फ़ोन है, कोई भी फ़ोन है, लेकिन अगर उसको आप चार्ज करते हैं कुछ देर यूज़ करने के बाद आप देखते हैं कि वो फ़ोन है तो डाउन होने लगता है और आपके पास ज़्यादा देर बैटरी बैकअप नहीं रहता है और फिर उसे उसको आप चार्ज करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए कुछ 6 से 7 सेटिंग बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट में एक सेटिंग बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला सेटिंग है जो आप जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते होंगे, जैसे कि देखिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको ऊपर से स्क्रॉल करना है, नीचे करना है और नीचे करने के बाद यहाँ पे देखिए स्क्रीन ब्राइटनेस के, यहाँ पे देखिए स्क्रीन ब्राइटनेस सेटअप है, यहाँ पे देखिए ये है, इसको आप ऑटो पे करके रखिएगा हमेशा। ऑटो पे क्यों कीजिएगा, देखिए मैं आपको प्रॉब्लम बताऊंगा, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताऊंगा और क्यों करना है वो भी बताऊंगा। देखिए यहाँ पे देखिए इसको अगर ब्राइटनेस को अगर यहाँ पे ऑन करके रखते हैं ऑटो ब्राइटनेस को, तो यहाँ पे क्या फ़ायदा होगा कि आप अगर अंधेरे में जाते हैं तो ब्राइटनेस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा और धूप में जाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आप हमेशा इसको अगर ज़्यादा करके रखते हैं, जैसे हमेशा मैं इसको फुल करके रखता हूँ, तो सबसे ज़्यादा बैटरी को ये यूज़ करेगा। तो इसलिए इसको ऑटो पे करके रखिए, ये ऑटोमेटिक अपने अनुसार इसको ज़्यादा या कम कर देगा। पहला सेटिंग था, दूसरा सेटिंग को जानते हैं दोस्तों। दूसरा सेटिंग है मोबाइल डाटा को ऑफ करके रखना। जब आप उसका यूज़ करते हैं तब उसको ऑन कर दीजिए, अन्यथा उसको ऑफ करके ही रखिए, ज़्यादा बैटरी यूज करेगा। तो इसलिए आप अपने मोबाइल डाटा को जब यूज़ नहीं हो तो इसको बंद करके रखिए, ठीक है, मोबाइल डाटा को। उसके बाद मैं और भी तीसरा सेटिंग बताता हूँ दोस्तों। ये सब जो सेटिंग है आपको पता है लेकिन इसके बारे में पता नहीं है, तो आप देखते होंगे कभी से आप चालू करके इसको यूज़ कर रहे, जैसे यूज़ करते हैं लेकिन ऐसे चालू करके छोड़ देते हैं। बाद आता है दोस्तों ऑटो रोटेट मोड। तो ऑटो रोटेट मोड आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मेरे में ऑन है, इसको आप ऑफ कर दीजिएगा। ऑटो रोटेट मोड को ऑफ इसलिए कीजिएगा क्योंकि देखिए आप अपने ज़रूरत के अनुसार आप इसको रोटेट मोड चालू या बंद कर सकते हैं, लेकिन हमेशा इसको ऑन नहीं रखिएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा बैटरी मोबाइल का यही यूज़ करता है ऑटो रोटेट मोड। तो इसको ऑफ करके ही रखिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दूसरा सेटिंग बताता हूँ, उसमें आप देखिएगा कि मोबाइल डाटा का, जैसे सॉरी मोबाइल ब्राइटनेस जो होता है वो सभी फ़ोन में जैसे टाइम के अनुसार देखिएगा, कुछ फ़ोन में सबसे ज़्यादा टाइम दिया जाता है, जैसे आप देखिएगा कोई आदमी 2 मिनट का लगाता है, 3 मिनट का लगाता है, या कोई कोई फ़ोन में 10 मिनट का है, देखिएगा हमेशा के लिए ब्राइटनेस को वो ऑन करके रखा जाता है मोबाइल पे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे सेटिंग यहाँ पे देखिए ब्राइटनेस मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, देखिए यहाँ पे ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस में जाइए। ब्राइटनेस में जाने के बाद आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे एक टाइम दिया जाता है, ठीक है, टाइम के अनुसार इसको सेट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑटो स्क्रीन ऑफ है, इसको देखिए ऊपर जाइएगा, ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 मिनट सेटिंग है। कुछ लोगों को यहाँ पे 30 मिनट 10 मिनट ऐसे सेटिंग चालू रहता है और जैसे यूज़ किया मोबाइल अपना यूज़ किया और कहीं पे साइड जो बटन है इसको बंद करना भूल गए, इसको क्लिक करना भूल गए और मोबाइल को वैसे ही छोड़ देते हैं, तो जिसके कारण यहाँ पे बैटरी बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसको 15 सेकेंड कर सकते हैं, 15 सेकेंड कीजिएगा, 15 सेकेंड यूज़ नहीं होगा और ऑटोमेटिक जैसे अगर स्क्रीन पर अगर कुछ नहीं करते 15 सेकेंड तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए बैक चलता हूँ, बैक चलने के बाद ये भी सेटिंग ऑन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आप लास्ट में बता रहा हूँ, अगर आप फोन को यूज करते हैं तो ये जो मैं सेटिंग बताऊंगा इसको चालू नहीं कीजिए, वो अपने पॉकेट में रखे हुए हैं या कहीं और भी रख दे रहे हैं, जब आपको यूज नहीं करना है तो एक सेटिंग को ऑन जरूर रखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आप सेटिंग में जाइएगा, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे एक बैटरी में जाइएगा, बैटरी में जाने के बाद बैटरी ऑप्शन है, बैटरी ऑप्शन में जाइए और उसके बाद यहाँ पे देखिए सुपर पावर सेविंग मोड, यहाँ पे अभी बैटरी का टाइमिंग कितना लिख रहा है कि 15 मिनट के आसपास चलेगा और स्क्रीन ऑन रहता है 4 घंटा 39 मिनट के आसपास, इस तरह से लिखे हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए सुपर पावर मोड से यहाँ पे सुपर पावर सेविंग मोड है, इसमें आपको लगभग 1 दिन 3 घंटा इस तरह से लिखे हुआ है, लेकिन मैं इसको अगर साफ ही यूज़ नहीं करूँगा तो 1 दिन से भी ज़्यादा चलेगा। लेकिन कैसे, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे जाना है और इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, यहाँ पे इसको चालू करने से यहाँ पे क्या क्या चीज़ होगा, प्रॉब्लम नहीं उसको कहेंगे, यहाँ पे देखिए जब इसको चालू कीजिएगा तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ होगा, देखिए सिस्टम परफॉर्मेंस विल बी रिड्यूस्ड, ठीक है, एंड यू विल ओनली बी एबल टू टर्न अ फ्यू एप्स एट अ टाइम। आप कुछ ही ऐप को आप यहाँ पे चालू कर सकते हैं, जैसे कि ये चालू हुआ, मैं उस पर क्लिक कर दिया, वो चालू हो गया। यहाँ पे देखिए कुछ ही ऐप कहने का मतलब है, यहाँ पे देखिए आप फोन को, यहाँ पे फोन जो ऑप्शन है अगर इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मोबाइल नंबर जो भी है जिससे आप बात करते हैं ये चालू रहेगा, आप इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे बात कर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत
नहीं है, आप इसको बैक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं बैक करता हूँ। बैक करने के बाद ये जो सेटिंग है ये चालू भी है। यहाँ पे मैसेज किसी को कर सकते हैं, यहाँ पे अलार्म लगा सकते हैं, यहाँ पे ऐड है, आप इस पे जाकर कोई दूसरा ऐप को भी यहाँ पे परमिशन देकर यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऐप को यहाँ पे परमिशन देकर ला सकते हैं अपने अनुसार। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है बहुत सारे जो एप्लीकेशन है, जैसे कि यहाँ पे देखिए तीन ही एप्लीकेशन सामने में है, लेकिन और जो एप्लीकेशन है वो सब अभी परफॉर्मेंस बैकग्राउंड में बहुत ही कम करता होगा और बैटरी बहुत ही कम यूज़ करता होगा। तो इसको चालू करके रखिएगा। ठीक है, इसको चालू कर दीजिए। जब आप यूज़ नहीं कर रहे हैं चालू करके रखिए। आपका जो ये एक सवाल होगा कि मैं इसको अगर चालू कर देता हूँ तो कहीं से फ़ोन आएगा कि नहीं आएगा, तो दोस्तों घबराने का कोई बात भी नहीं है। अगर आप फ़ोन अपने जेबी में रखते हैं या कहीं पॉकेट में रखते हैं या कहीं पर अगर रख भी देते हैं, अगर कोई फ़ोन करता है तो फ़ोन आसानी से आएगा, फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप फ़ोन किसी को करते हैं तो भी यहाँ पर आसानी से फ़ोन किसी को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचिएगा कि मैं इसको अगर हटाना चाहता हूँ, अपने फ़ोन को यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है, तो कैसे करूँगा? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ गया एग्जिस्ट सुपर पावर सेविंग मोड, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के कुछ देर के बाद यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगा और फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। जो सेटिंग में बताया अगर वो चालू कर देते हैं तो बहुत सारे ऐप है जो बैकग्राउंड में काम नहीं करता है, तो उससे आपका मोबाइल का जो बैटरी है बहुत ही कम यूज होगा और बैटरी बचेगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं जो भी सेटिंग बताया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी सेटिंग को बारी बारी से करिएगा और सभी को करके अपने फ़ोन में रखिए, देखिए कि कुछ देर और भी ज़्यादा बैटरी चलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जो जानकारी दिया हूँ, अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती ही रहती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो से अगर रिलेटेड कोई कमेंट करना है, कोई सुझाव देना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तभी के लिए बस इतना ही।